डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, और फिर देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उन लोग से हम उम्मीद करते हैं कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट क्या है। सो प्यारे बच्चों, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले थे और उसका जो रूट्स निकाले थे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, यहाँ पे हमने जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखा, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं डी। सो डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ हम देखेंगे कि नेचर्स ऑफ रूट्स क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी जो नंबर होता है वो क्या है कि तीन तरह से होता है। वो पहला, जैसे कि जीरो से बड़ा हो सकता है, या फिर जीरो के साथ बराबर हो सकता है, या फिर जीरो से छोटा हो सकता है। इसी हिसाब से जब हम d को निकालेंगे, d मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को निकालेंगे, तो यहाँ उसका भी वैल्यू जो है तीन तरह से आ सकता है। पहला, आइदर d इज ग्रेटर देन जीरो, और d इक्वल जीरो, और d इज लेस देन जीरो, ऐसे तीन वैल्यू आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब d इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा। When d इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू में आएगा, लेकिन दोनों रियल रूट्स आएंगे। और उसके बाद जब हम देखेंगे कि d इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो है, तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगा दोनों इक्वल रूट्स में आएगा, और टू इक्वल रियल रूट्स इसका नेचर ऑफ रूट्स होगा। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे, d इज लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, मतलब इसका जो वैल्यू आया ये वैल्यू माइनस में चला गया, यानी कि जब हम इसको अंडर रूट में डालेंगे तो इसका रूट्स निकालना मुश्किल है, क्योंकि माइनस का रूट्स निकालना मुश्किल हो जाता है। आप लोग इसको हायर लेवल क्लास में पढ़ेंगे कि जब माइनस में आता है उसको इमेजिनरी नंबर लिया जाता है। इसी हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि d इज लेस देन अगर जीरो आता है तो यहाँ पे उसका जो रूट्स है नो रियल रूट्स होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों समझ गए होंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि यहाँ पे जो नेचर्स ऑफ रूट्स है उसका क्या होता है, कि सही में जो हमने तीन वैल्यू लिए हैं कि d जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कैसे होता है, और d इक्वल जीरो होता है तो इक्वल रियल रूट्स कैसे होता है, और d इज लेस देन जीरो होता है तो वहाँ पे उसका वैल्यू क्या आता है। तो एक एग्जांपल पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल जीरो, इसका हम डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि ए के साथ कोफिशियंट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल जीरो का, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशियंट ए इक्वल वन है यहाँ पे, और b इक्वल माइनस टू है, और c इक्वल माइनस एट है। तो इसी हिसाब से d इक्वल अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किया जाए तो बी स्क्वायर के लिए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस एट इक्वल फोर प्लस थर्टी टू इक्वल थर्टी सिक्स। थर्टी सिक्स जो है वो जीरो से बड़ा है, यानी कि थर्टी सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इम्प्लाइज दैट d इज ग्रेटर देन जीरो।
तो हमने यहाँ पे देखा जो वैल्यू आया टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा और वो रियल में आएगा। इसी हिसाब से आप लोग d इक्वल जीरो और d इज लेस देन जीरो का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों रिलेशंस बिटवीन टू जो रूट्स मिला हम लोगों को, रूट्स एंड कोफिशियंट। तो रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट में देखेंगे तो पहला हो गया सम ऑफ द रूट्स, क्या होगा दोनों रूट्स हमने लिए थे एक अल्फा में और एक बीटा में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमने पहले से लिया था माइनस बी प्लस रूट ओवर अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। दोनों को देखेंगे तो एलसीएम दोनों का आ गया टू ए और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस बी माइनस रूट ओवर अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद रहेगा माइनस बी और माइनस बी दोनों माइनस टू बी हो गए और नीचे में है टू ए, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर में माइनस बी नीचे में ए, तो यहाँ पे आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए। तो हमें पता चल गया कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल माइनस बी बाय ए। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द बोथ रूट्स इक्वल अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये अल्फा का वैल्यू हो गया मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये बीटा का वैल्यू हो गया। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे एक फार्मूला आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल होता है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी हिसाब से हम अगर माइनस बी को ए लेते हैं और पूरे अंडर रूट वाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को अगर बी लेते हैं तो ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी हिसाब से माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का होल स्क्वायर और नीचे में टू ए मल्टीप्लाई टू ए, तो हम आगे देखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था और अंडर रूट और होल स्क्वायर दोनों हट गए, बचा वहाँ पे माइनस बी स्क्वायर और माइनस फोर ए सी हो गया, माइनस सामने में है इसीलिए प्लस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर। फिर उसके बाद हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी में बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, बचा वहाँ पे फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर, तो 4 ए सी बाय फोर स्क्वायर कैंसिलाइजेशन होंगे, 4 कैंसिल हो गया और ए सी का एक ए और ए स्क्वायर का एक ए दोनों कैंसिल हो गए, बचा c बाय ए। तो इसी हिसाब से हमने देख लिया कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल c बाय ए। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे, और लास्ट में सबको थैंक यू ऑल।